आरजेडी का गमछा लेके घूम रहे, क्या आरजेडी को प्यार दुलार आशीर्वाद जनता दे रही है? भरपूर दे रही है। झूठ ना बोल रहे हैं? हम झूठ गाल बोलेंगे। आप यादव है ना जी? आप यादव जी हैं? हाँ, यादव जी तो है। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव। संजय यादव, आपका वोट, आपका प्रखंड का वोट किधर जा रहा है? सब लालू जी पे जा रहा है। कह रहा नवादा में कि यार लाल यादव है। अच्छा, कहेगा जो चुनाव का नेता, मतलब रजवल्लभ यादव है। अच्छा, जो चुनाव लड़ता क्या बोलता है कि हम नेता नहीं है? हाँ। लेकिन यादव किसको नेता मानते हैं? आपको तो मालूम होगा। हाँ। सब लालू जी को हम लोग नेता मानते हैं। लालू जी को मानते हैं। तब क्या लग रहा है इस बार नवादा में खेला होगा? खेला तो हो गया, अब कौन खेला होगा? हो गया। तब विवेक का माला पहना दिए, एकदम पहना दिए। विवेक ठाकुर भी आ गए, अलग माहौल। हम लोग नहीं चिन्हते बाहरी आदमी को, हम लोग चिन्हवे नहीं करते हैं। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। मोदी गारंटी बांट के जाएंगे? नहीं बांटेंगे, उसे झूठा गारंटी है। कौन सा गारंटी है? झूठा झूठा जी जी हाँ, जुमला है सब। खाली आएगा और बोल के चल जाएगा। 10 साल क्या किया हम लोग सब अवगत है इसी बात। तो क्या लग रहा है मुखिया जी, इस बार नवादा लगातार 15 साल से बीजेपी या जीत रहे, लोजपा या बीजेपी, उन्हीं का पार्टी आ रही है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे? एकदम रिकॉर्ड टूटेगा। यहाँ के प्रत्येक जात, किसी भी धर्म मानता है, सब जान रहा है नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद होना चाहिए। सब मन बना लिया है। और कल आ रहा था हेलीकॉप्टर, देख लो आम आदमी चल जाता, हम भी जाएंगे देखने के लिए। आप भी जाइएगा देखने? हाँ, देख लेंगे। लेकिन वोट किनको दीजिएगा? सरवन जी को देंगे, लालटेन को देंगे, तब आप देखने के लिए वहाँ भीड़ होगी, जुमला सुनेंगे उनका। सर एक बात पूछते हैं, उनको वहाँ लाने के लिए 20 करोड़ का सुनते लागत लग रहा है, क्या उस 20 करोड़ से कुछ योजना चल सकती थी कि नहीं? ये भाजपा करती है। हा? भाजपा का ये लिस्ट में है कि कोई योजना लागू करे? तो बताया जा रहा है मोदी जी वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ 20 करोड़ के खर्चा हो रहा है। खर्चा उनको बहुत चंदा है, चंदा वाला पैसा कर रहे हैं खर्चा। जो चंदा अरबों अरबों में आया है, क्या करेंगे? वही खर्चा हो रहा है। नवादा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम नवादा वासियों को हम लोग यही संदेश दे रहे हैं, घर का बेटा घर का नेता। हम लोग 1 साल से चिल्ला रहे थे कि जो घर का मेरा बेटा है उसको टिकट देगा, वही नेता बनेगा। कह रहा यादव जी होकर कुछ वहाँ कह देंगे वोट। के कहता है? बहुत जनता कह रहा है। सरवन यादव है वो, कुशवाहा नहीं है। लालू यादव को टिकट दे दिया, सरवन यादव है वो। लेकिन इनका सबसे बड़ी बयान कि लालू यादव जिनको अपना मान लेते हैं वो लालू यादव का अपना हो जाता है। लालू यादव किसी को टिकट देगा वो लालू यादव रहेगा, लालू यादव हो जाएगा। चलिए बहुत, अभी क्या कह रहे थे बीजेपी के बारे में थोड़ा बताइएगा। वो जो खर्च कर रहा है ना, वो पैसा, वो जो दिया चंदा दिया, चुनावी बॉन्ड जो है ना SBI जो शो किया ना, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो पूछी है ना, वही पैसा खर्च हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है समीकरण चेंज होगा? 15 साल से लगातार होने आ रहे हैं, बोला बाबू हो, गिरिराज सिंह हो, चंदन सिंह, पूरे जिला एक मैं हो के श्रवण कुशवाहा को वोट कर रहा है, चाहे किसी बिरादरी समाज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग चाह रहे हैं कि नवादा का हो, मिलने जुलने में आसानी हो। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो पैड पे सांसद का जो बीमार कोई व्यक्ति रहता है इलाज करने के लिए, वो खोजते आदमी नहीं मिलते थे, आज उपलब्ध रहेंगे यदि नवादा के ही बनेंगे, और पक्का तय है बनेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सर रंजीत कुमार। क्या श्रवण कुशवाहा जी को वोट देंगे? वोट के देंगे, हम लोग साथ है तन मन से, चुनाव जीत रहे हैं 2 लाख वोट से, तो जीत रहे हैं, जीत गए सब, जीत के हमारे साथ ना युवा है, युवा का जो मत होता है अलग मोल होता है। क्या नाम है? विकास कुमार। चमनिया मुस्कान दे के जा रहे हैं, क्या लग रहा है श्रवण कुशवाहा जी आपका प्रखंड लीड करेंगे? जी बिल्कुल। विनोद यादव के? नहीं जी, यादव समाज, यादव समाज से क्या होगा? विवेक ठाकुर की? नहीं, विवेक ठाकुर इधर कोई चर्चा नहीं जी। आपका प्रखंड के गुंजन सिंह जी, तो उससे क्या होगा? गुंजन, हम लोग श्रवण कुशवाहा के साथ। पक्का? पक्का। इस बार लग रहा है श्रवण कुशवाहा विकास करेंगे? जी बिल्कुल, विकास करेंगे जी। देखिए यहाँ पे जितने भी मिले सब गान मान का एक ही गाना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रीय जनता दल चाहिए। जो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है, जो टिकट लेके आए हैं, कैंडिडेट लेके आए हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। आपका क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे KTN News, हमें सूरज कुमार। जय हिंद।